सो गाइज, आज की वीडियो ग्लो रोड के टॉपिक के ऊपर है। काफी सारे लोगों की मेरे पे कमेंट आई थी, तो इस वीडियो में आपको सिंगल कैटलॉग लिस्ट करना सिखाने वाला हूँ। और साथ ही ये ग्लो रोड का प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारी यहाँ पे आपको कैटेगरी वगैरह देखने को मिलेगी। और साथ ही इस टाइप से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो और साथ ही काफी अच्छी सेल जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको सिंगल कैटलॉग बताऊंगा कैसे आपको लिस्ट करनी है। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा ग्लो रोड का पोर्टल है, जो कि अमेजोन से टाई अप है, जो आप देख सकते हो ग्लो रोड प्लस अमेजोन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपको एड अ न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाते हैं, जो कि ऐड अ सिंगल, ऐड अ मल्टीपल और ऐड कलेक्शन। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको सिंगल कैटलॉग के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे हम करेंगे इस पे क्लिक, और जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी। सो इस वीडियो में आपको जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, आप कोई भी कैटेगरी को लिस्ट कर सकते हो अगर आपने ये सीख लिया, क्योंकि सभी में आपको यही पोर्शन आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फोटो अपलोड करनी है। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी फोटोज आ जाएंगी काफी सारी, और आपने क्या करना है गाइस, जो भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं सेल्फी स्टिक आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपको सेल्फी स्टिक यहाँ पे लिस्ट करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी आपको सेल्फी स्टिक दिख रही होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोटोज डाल रखी थी। और यहाँ पे जैसे कि मैं ये वाली फोटो लगाना चाहूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली मैंने फोटो लगा दी है, और यहाँ पे आप कम से कम 5 फोटो लगा सकते हो गाइस। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज यहाँ पे लगाते जाऊंगा, और तो आप भी इस टाइप से यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इमेज लगा सकते हैं बड़े प्यार से। और जितनी ज्यादा आप हाई क्वालिटी की इमेज लगाओगे उतने ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी की इमेज लगाना, जिससे क्या होगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट को है वो कस्टमर काफी आइडेंटिफाई करेगा, देन उसके बाद काफी अच्छे आपको ऑर्डर्स देगा। तो इस स्टेप से यहाँ पे हमने फोटोज लगा दिया। तो अब यहाँ पे आपको टाइटल डालना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा टाइटल कैसे डालना है, तो यहाँ पे आप दोबारा ग्लो रोड पे आए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेल्फी स्टिक। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल्फी स्टिक लिख दिया, मैंने यहाँ पे सेल्फी स्टिक सर्च कर दिया। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका अगर आपने सीख लिया तो आप आराम से कैटलॉग को लिस्ट कर पाओगे। सो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल्फी स्टिक दिख रही होगी, तो जैसे कि ये वाली सेल्फी स्टिक है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी भी दिख जाएगी। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे इसका टाइटल है, तो यहाँ पे मैंने इसका टाइटल कॉपी कर लिया है, और उसके बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस स्टेप से हमारा टाइटल बन गया। और सर यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका मॉडल नंबर, जो भी इसका मॉडल नंबर है। सो गाइज यहाँ पे मैंने मॉडल नंबर इसका डाल दिया है। तो नीचे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और कैटेगरी जैसे यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज है, उसके बाद मोबाइल टैबलेट है, उसके बाद सेल्फी स्टिक है। सो गाइज ये मेरे को कैसे पता लगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट को जब लिस्ट करोगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एज अ कस्टमर, और यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख जाएगी होम, फिर उसके बाद मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, फिर मोबाइल टैबलेट एसेसरीज एंड उसके बाद सेल्फी स्टिक। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस सेट करना, तो आप प्राइस देख सकते हो क्या मार्केट में चल रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना प्राइस डाल सकते हो। सो जैसे कि हमारे इसकी एमआरपी 999 की, और साथ ही हम जो उसका सेलिंग प्राइस देना चाहते हैं वो 499 देना चाहते हैं। तो इस स्टेप से यहाँ पे हमने इसका प्राइस सेट कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो शिपिंग कॉस्ट लगने वाली है, अगर आप प्लेटिनम पे हो तो इतने लगेगी, अगर आप रेगुलर हो तो 83 लगेगी। तो इस स्टेप से आपको यहाँ पे शिपिंग लगने वाली है। और साथ ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपसे सेलेक्ट कलर पूछेगा। सो यहाँ पे हमने इसका कलर डाल दिया है। देन उसके बाद यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि ये ब्लूटूथ है, केबल वाली है, तो ये ब्लूटूथ वाली है। देन उसके बाद यहाँ पे बैटरी इंक्लूडेड है, यस। और उसके बाद यहाँ पे बैटरी सेट, यस। तो इस स्टेप से आप डाल लेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा फ्री साइज, जो कि इसका फ्री साइज है। हालांकि यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसमें इन्होंने क्या डाला हुआ है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर डाला हुआ है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 15, क्योंकि यहाँ पर जो जो आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो कि और वेंडर्स ने कैसे कैसे इसमें लिस्टिंग करी हुई है, तो उसको देख देख के भी आप भर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। देन उसके बाद यहाँ पे स्टाइल कोड पूछा, तो स्टाइल कोड हम ये वाला डाल देंगे, जो कि हमारी सेल्फी स्टिक है। तो यहाँ पे हम ये सेल्फी स्टिक डाल देते हैं, जो कि हमने कॉपी कर लिया गाइस। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक स्टाइल कोड बन जाएगा, जब भी हमारे को ऑर्डर आएगा तो इसका यहाँ पे स्टाइल कोड दिख जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे वेट पूछ रहा, तो वेट इसका 100 ग्राम है, लेंथ इसके, ये सारी चीजें ऑप्शनल है, आप इसको भर भी सकते हो गाइस और नहीं भी। सो यहाँ पे तो मैं भर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भरी हुई है। और सर इसका वेट आप डाल सकते हो, तो ये सारी ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हो नहीं भी। ऑलरेडी जिसपे खाली यहाँ पे ये वाला साइन आ रहा है, आपको स्टार आ रहा है, वही वही आपको भरना है। उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें भरोगे तो काफी अच्छी बात है। बाकी एक्सपायरी डेट ये ऑप्शनल है। यहाँ पे इन्वेंट्री आप डाल दोगे 100, जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, 50, 100, 10, 20, 50। देन उसके बाद यहाँ पे आप कंट्री ओरिजिनेशन डाल दोगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने कंट्री ओरिजिन भी डाल दिया, जो भी हमारा बना हुआ है, कहाँ से है ये वाला, जो हम प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं चाइना से आता है प्रोडक्ट। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाली, तो आप यहाँ से बैक कर लो। और बैक करने के बाद आपको और भी यहाँ पे अदर सेल्फी स्टिक दिख जाएंगी गाइज, जैसे कि आपको और भी यहाँ पे प्रोडक्ट दिख जाएंगे।
आपने क्या करना है यहाँ पे, आप देखना है कि यहाँ पे और लोगों ने कैसे सेल्फ स्टिक की हुई है। जैसे कि यहाँ पे ये वाली मेरे को सेल्फ स्टिक दिख रही है और यहाँ पे मैंने इसकी सेल्फ स्टिक देखी तो यहाँ पे भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डाल रखी, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। देन आपको क्या करना है, अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आ रहा तो आपको इन्हें जो टाइटल डाला है उसी को आप कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करने के बाद आप नीचे डाल सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप अपना ऑप्शनल है, ऑप्शनल भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा आप डिस्क्रिप्शन जरूर डालें। देन उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, जब आप सारी चीजें लगा लो, जैसे आपने फोटो डाल दी, उसके बाद यहाँ पे आपने टाइटल डाल दिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, लिस्टिंग प्राइस डाल दिया, प्लेटिनम प्राइस डाल दिया, एमआरपी डाल दी, देन उसके बाद आपका सेलेक्ट कलर हो गया, जो भी आपसे पूछी जा रही हो सारी चीज आपको भरनी है, सपोर्टेड बैटरी, बैटरी क्वाइट, एंटर साइज, उसके बाद स्टाइल कोड, उसके बाद आपका वेट, पैकेजिंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वेट, देन एक्सपायरी डेट आपको छोड़ देनी है, उसके बाद इन्वेंटरी डालनी है, कैटेगरी डालनी है और प्रोडक्ट का अपना डिस्क्रिप्शन डालनी है। यही सारी चीजें आपको हर एक कैटेगरी में पूछेगा, तो आपको ऐसे फुलफिल कर लेना है। देन उसके बाद आप देख सकते हो आपको जो पे आउट मिलने वाला इस प्रोडक्ट का वो आपको ये मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको क्या कर देना है, अपलोड। तो जैसे गाइस आप इसको अपलोड करोगे यहाँ पे इसका ये अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो एक कैटलॉग है वो यहाँ पे आ जाएगी। और साथ ही जब आपका ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा योर प्रोडक्ट इज अंडर रिव्यू, यानी ये जो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे और भी किए हुए हैं और साथ ही ये वाला भी अंडर रिव्यू में चला गया है, साथ ही अप्रूव हो जाएगा 2 से 3 दिन में। और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा आपको यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग में आ जाएगा। तो इस स्टेप से आपके प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने वाले हैं, तो आप भी आराम से इजिली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो ग्लो रोड पे। साथ ही ये वीडियो मेरे को बताओ गाइस कैसी लगी, क्योंकि जैसे आप ये प्रोडक्ट को लॉन्च करते जाओगे आपके प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लगेंगे, उसके बाद आपको कस्टमर से काफी अच्छे ऑर्डर आने मिल जाएंगे। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको समझ में आ गया कैसे आपको ग्लो रोड पे सिंगल डे बाय डे यहाँ पे सिंगल कैटलॉग लिस्ट करनी है। साथ ही अगर आप जितने कैटलॉग लिस्ट करोगे उतने ज्यादा आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मिलते हैं फ्रेश रूपए के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।